जहर उगल रहे हैं। सवाल करने वाला कल मुझसे पूछ रहा है कि आपने जहर उगला, मैंने अपने उनसे कुछ नहीं कहा, ऐसी तो कोई बात नहीं, अपनी सफाई देता रहा, लेकिन मैं सवाल करता हूं, दिल चाह रहा था मेरा कि मैं सवाल करूंगा जो जहर उगल ले उनके बाद उनकी तरफ तो आपकी तवज्जो ही नहीं जाती, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं जाती जहर उगलने वालों की तरफ, और जो जहर को खत्म करने की बात कर रहे हैं उनका जहर नजर आ रहा है। वो वजह है उसकी खास, एक खास जहनीयत बनाई जा रही है, हमारे वजूद पर सवाल है। मुश्किल ये है कि हमारे हजरत फरमाया करते थे हम सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी हैं, दूसरी बड़ी अक्सरियत है इस मुल्क में, मैं तो ये मानने को तैयार नहीं कि हम अकलियत है, टेक्निकल रीजन से मानना पड़ता है हम अकलियत, अकलियत नहीं है, हम इस मुल्क की दूसरी बड़ी अक्सरियत हैं। अगर तादाद के लिहाज से देखें सिर्फ मुसलमानों को अगर माने, और हम ख्याल लोग, हम ख्याल हिंदुस्तानियों को अगर एक जगह जमा कर दिया जाए तो हम आज अक्सरियत में हैं, और नफरत के सौदागर आज भी अकलियत में है माइनॉरिटी। लेकिन भाइयों बेवकूफी मत करना, जरा अकलमंदी से काम करना है, वही सब्र करना है, एराज से काम लेना है, और उसको जो तुम्हारा हम ख्याल है या हम ख्याल हो सकता है इस मुल्क के लिए, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए, इस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए, मैं हिंदी के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, अभी तजवीज मंजूर की गई है ना, तो क्या करूं, बोलना पड़ेगा ना हिंदी कुछ ना कुछ। उन लोगों को जो हमारे हम ख्याल हैं राष्ट्र निर्माण में, हमें अपने साथ लेना पड़ेगा, और वो हर पार्टी में है। तो इस तजवीज से मुताल्लिक, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तजवीज से मुताल्लिक ये कहना चाहता हूं, कानून कोई बन जाए, अगर मुसलमान शरीयत पर चलने का अज़्म कर ले तो कोई कानून उसका रास्ता नहीं रोक सकता। ये मैं मनफी बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये इसको कह देंगे ये बड़ा जहर उगला है, कानून के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि तलाक देने का तरीका, अगर मुसलमान तैयार हो जाए कि वो तलाक नहीं देगा, अगर वो बात करेंगे राष्ट्र निर्माण की, राष्ट्र की एकता की और अखंडता की, तो वो तो है राष्ट्र धर्म, और अगर हम बात करेंगे राष्ट्र की एकता की, अखंडता की, तो वो है हमारा तंज, भक्ति कसना, बुराई की नियत से कर रहे हैं, किसी को बुरा बताने के लिए कर रहे हैं, जी नहीं, हमारा आज़म है ये, दिखावे के लिए भी नहीं कर रहे हैं। हमारा मजहब अलग है जरूर, हमारा लिबास अलग है, हमारी तहजीब भी अलग है, हमारे खाने पीने का तरीका भी अलग है, और तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। भेजना नहीं है किसी को, भेजना नहीं है किसी को, क्योंकि वो जरा जरा सी बात पे कहते हैं ना पाकिस्तान चले जाओ। भैया तुम्हें मौका नहीं मिला था पाकिस्तान जाने का, हमें मौका मिला था, हमने रिजेक्ट किया है उसे पाकिस्तान जाने का, इसलिए हम नहीं जाएंगे, जिसको भेजने का शौक है वो चला जाए।